आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। Amazon Prime Video पर रिलीज हुई फिल्म जय भीम लगातार चर्चा में बनी हुई है। आए दिन इस फिल्म का नाम किसी न किसी विवाद से जरूर जुड़ रहा। कुछ सीन के चलते ये फिल्म अब कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही। बीते दिनों ही मनिया समुदाय ने फिल्म के कुछ सीन को लेकर आपत्ति जताई थी। इससे पहले भी फिल्म के एक सीन को लेकर काफी विवाद हुआ था। मनिया समुदाय लगातार इस फिल्म की टीम के लोगों को धमकी दे रही है। फिल्म के हीरो सूर्या को भी अब लगातार धमकी मिल रही है। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए अब सूर्या के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। टी नगर में स्थित उनके घर के बाहर 5 पुलिस कर्मियों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। बता दें कि वनिया समुदाय को लोगों का कहना है कि फिल्म के कई सीन में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ उन्होंने कुल 5 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में भी मांगे हैं। जय भीम के रिलीज के तुरंत बाद ही एक सीन जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस सीन में प्रकाश राज एक बुजुर्ग शख्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे। इस बुजुर्ग शख्स ने प्रकाश राज के सामने हिंदी में बोलने की कोशिश की थी। थप्पड़ मारते हुए प्रकाश राज ने उस शख्स से तमिल में बात करने के लिए कहा। कुछ दिन पहले ही सूर्या ने अपनी ओर से बयान भी जारी किया है। सूर्या का कहना है कि उनकी फिल्म की टीम का किसी भी समुदाय का अपमान करने का मकसद नहीं है। इसके बाद ही कई फैंस सूर्या और उनकी फिल्म की टीम के सपोर्ट में उतर आए। इसी के साथ सोशल मीडिया पर #WeStandWithSoorya ट्रेंड करने लगा। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।